अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट योर सेल्फ 9.1 टेंथ क्लास केमिस्ट्री। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट क्यों नहीं होते, मुकम्मल क्यों नहीं होते। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको मिसाल के ज़रिए उसकी वजाहत करें। बच्चे ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बट इन क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, के रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मकदार जो है वो तब्दील क्यों नहीं होती। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। एज द क्वेश्चन इज व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, द रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन द सेम रेट and proceeding in the opposite direction. As you know, in reversible reactions, reaction proceed in both ways. कि reversible reactions में हमारा जो reaction होता है वो दोनों सिमत में move कर रहा होता है, means कि हमारा जो rate of reaction है वो same होता है, वो एक जैसा होता है, लेकिन वो opposite direction move कर रहा होता है। जैसे देखिए हमारे पास बच्चे एक reversible में forward reaction होता है और reverse reaction होता है। जो forward होता है वो left to right move कर रहा होता है और जो reverse होता है वो right to left move कर रहा होता है। उनका रेट बराबर होता है, यानी उनकी आप ये कह लें स्पीड या टाइम जितना वो ले रहे हैं वो बराबर होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, देन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। इस वजह से रिएक्शन कभी भी ये मुकम्मल नहीं होते। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बन जाते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, सो दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। एज अ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। द टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड फर्दर इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम की वो टाइप, वो किस्म जब हमारा जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, आपके पास आगे प्रोसीड नहीं करता, मतलब आगे आपके पास चल नहीं रहता, वहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि जब वो बिल्कुल रुक जाता है, साकन हो जाएगा रिएक्शन। जिससे फॉर एग्जांपल बेटे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिटेल में विद एग्जांपल्स इसको डिस्कस किया गया था, लेकिन अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो लेक्चर प्रीवियस देख सकता है। एग्जांपल में बच्चे जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग होती है वो हमेशा खड़ी रहती है, मीन्स के क्यों, क्योंकि वहाँ पे जितने भी फोर्सेस होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, प्रोसीड हो गया। आप बुक्स ले लें, आप बुक्स को एक अरेंज में एक सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के ऊपर रख दें, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिक इक्विलिब्रियम। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन में अमाउंट क्यों चेंज नहीं होती। तो बच्चे इन रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शन जनरली अकर एट द सेम टाइम, कि हमारे पास बच्चे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स जो होते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन वो एक से एक टाइम में हो रही होती है। When this happens, there is no overall change in the amount of reactant and product, even though the reaction keep occurring in both direction. यानी हमारे पास चाहे रिएक्शन का रेट सेम है लेकिन उनके डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस वजह से जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो रिएक्टेंट होंगे उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की नहीं इतनी होगी। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएंगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी लेकिन रिएक्टेंट की मकदार हमारे पास नहीं होगी। मींस कि आप क्वेश्चन रिवर्सिबल रिएक्शन में अमाउंट कभी भी इनकी चेंज नहीं होती,
कंज्यूम नहीं होती। रिएक्टेंट से जितने रिएक्टेंट होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे, फिर जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उतने रिएक्टेंट बनेंगे। तो बच्चे होप सो आपको इन तीनों क्वेश्चंस की समझ आई होगी। बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी विया द मेल और विया द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, दुआओं में याद रखिएगा।